फलों की जो घर घर वितरण की व्यवस्था है, जो जैसे नगर निगम ने अभी तक किराना की व्यवस्था और सब्जी की व्यवस्था की हुई है, लगभग उसी प्रकार की है। इसमें हम लोग शनिवार से, इसी शनिवार से ऑर्डर कर सकेंगे। ऑर्डर करने का जो तरीका रहेगा वो भी जैसे आप किराना और सब्ज़ी को ऑर्डर करते हैं सिटीजन्स कोप के माध्यम से या 311 ऐप के माध्यम से, या फिर जो हमारे जोनल अधिकारी हैं नगर निगम के, उनके माध्यम से। अब बहुत सारे किराना व्यापारी जो आपके वार्ड में हैं और आप लोग उनसे परिचित हो चुके हैं लगातार, तो उनके भी माध्यम से हम लोग डिमांड प्लेस कर सकते हैं। डिमांड प्लेस करने के बाद लगभग 24 से 48 घंटे में उनको फलों की डिलीवरी संभव हो पाएगी। जो फलों की व्यवस्था है वो दो प्रकार से की गई है। अपने ने इसमें दो फ्रूट बास्केट्स बनाए हैं, जिसमें जो पहला फ्रूट बास्केट है वो लगभग 4.5 से 5 किलो का होगा। उसमें मौसमी फल रखे हैं जो खरबूज और तरबूज है, और उसकी कीमत लगभग 100 रुपये रहेगी। इसके अलावा जो दूसरा बास्केट है उसमें आम रहेंगे, पपीता रहेगा और मौसम्बी रहेगा। उसका जो कीमत है वो 250 रुपये रहेगी, और उसका भी ऑन एन एवरेज वेट जो है वो 4.5 से 5 किलो रहेगा। कई बारी फलों का जो साइज़ होता है, क्योंकि सब्जियां हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, फलों के साइज़ के अनुसार वेट थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा। तो जो सेकेंड वाला बास्केट है 250 रुपये वाला, उसमें आम का जो वेट है वो लगभग 2 किलो रहेगा, पपीता का लगभग 2 किलो रहेगा, और मौसम्बी 1 से 1.5 किलो रहेगी। तो इस तरीके से जैसी व्यवस्था पहले से आप सब्जियों की अपनाते आए हैं, उसी तरीके से नगर निगम के माध्यम से फ्रूट्स को भी सभी लोग ऑर्डर कर सकेंगे। कीमत जो है वो मार्केट के जो रेट्स हैं, अब चूंकि ये जो पूरी व्यवस्था है वो मार्केट में डिमांड और सप्लाई आधारित है, इसमें जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो मार्केट रेट्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। और चूंकि इसमें फल व्यापारी इन्वॉल्व हैं, जो हमारे वार्डों तक पहुंचाने वाले छोटे व्यापारी रहेंगे वो इन्वॉल्व हैं, इसके अलावा किराना व्यापारी हैं, तो इनके माध्यम से सप्लाई की जाएगी। और रेट को नियंत्रित करने के लिए हम लोगों ने यह ध्यान रखा है, इसीलिए दो फ्रूट बास्केट्स बनाए हैं, ताकि लोग उनका अपनी सुविधा के अनुसार और जैसी उनकी पेइंग कैपेसिटी है उसके अनुसार इनको ऑर्डर कर सकें। जो फ्रूट्स के रीपैकेजिंग स्थल हैं उन पर इनके सैनिटाइजेशन की और प्रॉपर पैकेजिंग की, जो इनकी प्रॉपर पैकेजिंग में जो टीम्स लगी हुई हैं उनके भी पीपी किट्स और जो खासकर हैंड ग्लव्स और मास्क, इनकी व्यवस्था रहेगी। और इसको भी हम लोग बहुत एहतियात के साथ इंदौर नगर निगम जो है वो लोगों के घरों तक पहुंचाएगा। जो वार्ड स्तर पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो कि बेसिकली लोगों के घरों तक पहुंचेगा, वो डिलीवरी लगभग सेम रहेगी। उसमें वही किराना व्यापारी जो आपके वार्ड के हैं, प्रत्येक वार्ड में हमारे पास लगभग 4 से 5 लोगों की लिस्टिंग है जो ये काम पहले से कर रहे हैं राशन और सब्जी का, फल भी उन्हीं के माध्यम से वितरित किए जाएंगे।